बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाइए गोवर्धन महाराज की जय हो। आज के कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। जो जो दिन बीतते जा रहे हैं अब हमें ये लगने लगा है कि हमें स्वामी जी से ज्यादा प्रीति होने लगी है, क्योंकि अब हम सोचते हैं केवल दो ही दिन रह गए स्वामी जी यहाँ पे रहेंगे। बहुत ही बात अखरती जा रही है। जो जो दिन बीतते जा रहे हैं, जो जो बात अखरती जा रही है, अब तो दो दिन ही और बाकी रह गए। कल जो है रुक्मिणी विवाह, कल रुक्मिणी विवाह है। रुक्मिणी विवाह में स्वामी जी ने बताया है कि विशेष प्रबंध होता है और उसमें विशेष जो दान देने का फल है वो विशेष माना गया है। इसलिए रुक्मिणी विवाह में भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से होगा। कल रुक्मिणी विवाह जैसे आज गोवर्धन पर्वत को उठाना हुआ है, आज स्पेशल ओकेजन था, इसलिए कल रुक्मिणी विवाह में स्पेशल ओकेजन होगा। रुक्मिणी विवाह में तो हम सभी आप जानते हैं, विवाह में जैसे भी नृत्य होते हैं खुशी होती है, हमें उसी प्रकार भगवान कृष्ण के विवाह में खुशी में शामिल होना है। सभी अपने 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 हिसाब से अपने अपनी रीति अनुसार जैसा भी होगा आप यहाँ पर आए, कन्या दान दें। जैसे भी कन्या का दान होता है वैसे ही रुक्मिणी के लिए आप कन्या दान दें। वो सभी आपको पता है कि गीता भवन में जो भी कार्य हो रहे हैं सब आपकी कृपा से हो रहे हैं, आपके दान से ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी दान की एक महिमा है जो गुड़गांव में गीता भवन का नाम है। गीता भवन का नाम आप लोगों की ही वजह से है और किसी की वजह से नहीं है, ना तो किसी सभा की वजह से है ना किसी व्यक्ति की वजह से है। ये गीता भवन का नाम आप लोगों की ही वजह से है, क्योंकि आप बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं और इसके पश्चात कल और परसों के बाद जन्माष्टमी का भी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उसकी भी डिटेल हम कल और परसों देंगे। ज़्यादा व्यवधान न बनते हुए मैं एक सूचना आपको दे दूं कि प्रसाद यहाँ पर बैठ के मिलेगा और कड़ी चावल का प्रसाद है वो बाहर मिलेगा। बाकी प्रसाद 56 भोग का, जैसे स्वामी जी ने बताया 56 भोग का प्रसाद लग चुका है, भोग लग चुका है। 56 भोग का प्रसाद तो यहाँ बैठे बैठे मिलेगा,
और कड़ी चावल का प्रसाद आपको गेट में मिलेगा, क्योंकि कड़ी चावल देने से वो जहाँ पर व्यवस्था नहीं रहेगी और बिखर भी जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि सबसे पहले जब प्रसाद शुरू हो आप पीछे से करें, क्योंकि आगे से प्रसाद देने में आगे से लोग उठ जाते हैं, फिर व्यवस्था हो जाती है। पीछे से प्रसाद शुरू होगा, पीछे से आते हुए आगे तक आएगा। परिक्रमा आप लोगों ने कर ली है, उसके पश्चात आपको बाहर ही कड़ी चावल का प्रसाद मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा हम पंडित जी से वो आरती का कार्यक्रम प्रारंभ करें। बोल भाग्य विहार लाल की जय हो। आरती कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी I'm
पुष्पय देवा मंत्रमारार्थ के प्रभु आमी ओम दियो हो शांति रंतर चुम शांति हे पृथ्वी शांति राप हो शांति रोग रह शांति हे वनस्पतय हो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति हे सर्व कुम शांति हे शांति रे व शांति हे सामा शांति रे दे हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पाञ्जले हरि ओ जगदेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः स्वचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओ द्रोणपुत्राय विद्महे गिरिराजाय धीमहि तन्नो गिरिवर प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्डाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मञ्जरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सावानाय सपरिकराय मंगलमण्डल देव सहिताय इस मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की बाकी बिहारी लाल की राधा रानी की हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आज की आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल गिरिराज महाराज की।